आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कटिहार जिले में पिछले कई वर्षों से बंदूक बनाने की एक अवैध फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी। गुपचुप चलने वाली इस फैक्ट्री में बंदूकें तैयार की जाती थी, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में कटिहार पुलिस ने इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को ही जड़ से उखाड़ फेंका है। चल अब ऊपर बनेगा, बन गया जितना बनना था। मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया और इस विशेष टीम ने कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड के गोपालपुर में चल रही इस अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। इस छापेमारी में पुलिस ने जहां बंदूक बनाने के काम में आने वाली बड़ी बड़ी लेथ मशीनों को जब्त किया है, वहीं फैक्ट्री में पड़ी कुछ निर्मित और अर्ध निर्मित बंदूकें भी बरामद की है। मशीन का हमको लगता है फोटो वीडियो तो नहीं लिए होगा तुम लोग। आगे मत जाइए छोटू, और भी याद नहीं है भाई, पहले आप लोग ले लीजिए फिर हम पीछे ले जाएंगे। रुको रुको, डब्बा को तोड़ देता, मोबाइल की वीडियो बना लेता है, बना लेता, हटाओ ना, हटाओ ना, हटाओ ना, हो गया ना भाई सर, रुकिए सर, हाँ सर ले जाइए, चलो सोनू कुमार हटो, सर इलेक्ट्रिक मीटर है तो? सुनो वही जगह जहाँ ढक्कन इसका भी पूजा आपको अगर सही में देखना है तो नीचे पुलिस ने मौके पर मौजूद कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक व्यक्ति मुंगेर का रहने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेर का रहने वाला यही व्यक्ति इस पूरे फैक्ट्री का मास्टर इंजीनियर है। पुलिस को मिली इस सफलता से पूरे जिले वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। अहमदाबाद गोपालपुर के भी लोग हैरान है कि उन्हीं के गाँव में यह फैक्ट्री चल रही थी, इसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। कटिहार अहमदाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर वार्ड नंबर 3 में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया है। इस मिनी गन फैक्ट्री में कई गन से जुड़े कई सामान बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन 3 अपराधियों में से एक अपराधी मुंगेर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 2 अन्य अपराधी भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 देसी कट्टा और देसी कट्टा बनाने से जुड़े कई सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए, चलिए हम दिखाते हैं आपको इस पूरे रिपोर्ट में। इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले के अहमदाबाद थाना अंतर्गत गोपालपुर ग्राम में एक
बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज रूप से एक मिनी गन फैक्ट्री को एस्टेब्लिश लगभग कर लिया गया था और पिछले 10 दिनों से ये लोग इसमें काम कर रहे थे और प्रतिदिन इनका जो रफ्तार है प्रतिदिन 8 से 10 पिस्टल जो है ये लोग उससे बनाते हैं। इसमें जो गुप्त सूचना प्राप्त हुई त्वरित गति से इसमें कार्रवाई हुई, जो प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनिहारी हमारे पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान शैलेश प्रीतम एवं जो थानाध्यक्ष के जो प्रभार में है वनी मुकेश कुमार जो वहाँ के अपर थानाध्यक्ष हैं, इन सभी लोगों ने हमारी पूरी टीम ने मिल करके एक बड़े गन फैक्ट्री जो मिनी गन फैक्ट्री है इसका उद्भेदन किया। इसमें कुल 3 लोग पकड़े गए, अभिषेक कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार। धर्मेंद्र जो है वो नवागढ़ी मुंगेर का है और ये एक्सपर्ट है, आप देख रहे हैं ये सारा सामान इसके पास है कैसे पिस्टल बनता है देसी पिस्टल, और ये पहले भी ये संभवतः जेल जा चुका है, इसका हम लोग आपराधिक इतिहास सर्च कर रहे हैं। अभिषेक जो है ये अहमदाबाद का है, इसने अपनी ज़मीन दी है और उसी ज़मीन पर ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट उसने कराया है, और ये लोग अंडरग्राउंड जो है ये जो बड़ी जो लेथ की मशीन है वहाँ पर उस मशीन को अंडरग्राउंड करने के लिए इन लोगों ने खुदाई भी कर दी थी। तो ये जो सूचना प्राप्त हुई इसमें त्वरित गति से कार्रवाई हुई, इसमें जो बरामदगी है इसमें आप देख सकते हैं बहुत लंबी चौड़ी जो है बरामदगी है। इसमें लोहे का बना हुआ 3 देसी कट्टा है जो 3 पीस है जो इनके पास से बरामद हुआ है, और लेथ मशीन है जो कि काफ़ी बड़ा है, ऊंचाई जो है 3 फीट से भी ज़्यादा है। ड्रिल मशीन जो है वो 2 है, वो भी बड़ा काफ़ी बड़ा मशीन है, वो 2 मशीन यहाँ बरामद हुआ है। उसके बाद जो है जो भी यूज होता है छोटा से लेकर के बड़ा जो भी आइटम उसमें यूज होता है, इवन जो मेजरमेंट के लिए जो आप देख रहे होंगे कंपास वगैरह भी जो है ये सब जो है इसमें बरामद हुआ है। फिनिशर है, मशीन बेड है, ऑल सेंटर है, वेल्डिंग मशीन है, ग्लेंडर मशीन है, बिजली मीटर, बार मशीन, मर्नियर, रेती, टूल बॉक्स, पिस्टल फ्रेम, हथौड़ी, कोनीय बटन, ड्रिल बीट, चांद कंपास, डाई, एल की रिंच, 3x8 कट्टफ है, ड्रिल चक है, लोहे की पट्टी है, लेथ मशीन का हैंडल, लेथ मशीन का चक्री, लोहे काटने का मशीन, लेथ मशीन का हब, ड्रिल मशीन की पुल्ली, छोटे छोटे लोहे का टुकड़ा है जो बना रहे ये लोग, बिजली के तार का टुकड़ा है, मोटरसाइकिल है और मोबाइल है। इनका पूरा प्लान था कि ये पूरा उस एरिया में जो है ये लोग बनाते और वहाँ से जो बॉर्डरिंग एरिया है जो बंगाल का एरिया है और जो झारखंड का एरिया है और इधर भी ये लोग वहाँ से सप्लाई करने का इनका प्लान था, और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और हम इन लोगों को पुरस्कृत करेंगे। ये जो है 2 जो है जो एक जो मुंगेर का है और ये जो अहमदाबाद का है, ये दोनों जो है रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, इसीलिए वो यहाँ पर वो एक सेफ जोन बना करके और ये अपना काम कराना, क्योंकि ये जो मुंगेर का है धर्मेंद्र ये इसको सब चीज़ पता है A to Z कैसे पिस्टल बनता है। अभी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं आपराधिक इतिहास इसका प्राप्त कर रहे हैं और इस पर जो है वो बता भी रहा है, कुछ केसेस हैं पहले से भी, तो हम लोग इस पर सारी जो कानूनी कार्रवाई हम ये जब्त हुआ सर, पिस्टल मेड इन अहमदाबाद है क्या? ये तो उसमें लिखा नहीं है कि मेड इन अहमदाबाद है कि कहाँ है, पर इन लोगों ने जो है शुरुआती दौर में वैसा बनाया है, लेकिन जो सेटअप है जो आप देखेंगे इनका सेटअप, वो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे भी लगा कि ये काफ़ी प्रोफेशनल है और बड़ी बड़ी मशीनें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनको JCB और सबसे जो है उठा करके लाना पड़ा,
तो ये कहीं ना कहीं ये लोग प्लानिंग और ऑर्गेनाइज तरीके से ये कर रहे थे। हम लोगों ने जो बरामदगी की है एक एक बिंदु पे सब हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें आएगा हम लोग सब जो विधिवत कार्रवाई है वो करेंगे। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहाँ खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो, क्यों है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहिता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ